ذكر رحمة ربك عبده ستية إذ نادى ربه نداء خفية. هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا، وخذ الكتاب وآتيناه الحكمة وحنانا من لدنا وزكاة وكان. नाजरीन, जैसा कि आपने इस बच्चे के मुंह से कुरान की तिलावत सुनी, जो कि एक जिंदा मुअज्जज़ा है, क्योंकि ये बच्चा पैदाइशी हाफिज़े कुरान है और ये मां के शिकम से ही हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ है। ये बच्चा अलजज़ायर का रहने वाला है और इसका नाम यहया है, और जिसको दुनिया में सबसे कम उम्र में हाफिज़े कुरान बनने का एजाज हासिल हुआ है, जिसकी उम्र अभी तक 2 साल भी नहीं हुई है। और इस उम्र में बच्चे सही से अपने वालिदैन को भी नहीं पुकार सकते हैं। आपने सुना कि यह बच्चा कितने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान कर रहा है। ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह इस उम्र में ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन ये कुरान बहुत ही साफ साफ पढ़ लेता है, और बेशक ये अल्लाह की कुदरत का नजारा है। दोस्तों, हर तरफ इस बच्चे की बात हो रही है। जब अलजज़ायर के मीडिया चैनल अल शुरूक ने इस बच्चे की स्टोरी को शेयर किया, जिसको जानने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई। उसमें इस बच्चे की माँ ने कहा कि मैंने बच्चे को जन्म देने से पहले एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक ऊँची और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की जमात मौजूद है, और उनको मैंने सहाबे रसूल समझा। तभी एक शख्स आकर के कहा कि आपको सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुला रहे हैं, तो मैं उसके साथ चलने लगती हूँ। और रास्ते में उसने मुझे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया और कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये सुनने के बाद मुझको हैबत तारी हो गई, और जब मैं सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँची, तो वहाँ सफेद कलर की एक दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती लगा हुआ था। और सैयदना साद बिन नबी वक्कास ने कहा कि ये मोती तुम्हारा है, तुम इसको ले सकती हो। और जैसे ही मैंने उस मोती को दीवार से निकाला, तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इस ख्वाब की तामीर के लिए मैं एक आलिम के पास जाऊंगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बच्चे की विलादत से पहले जब मैं रात को सोई, तो मैंने एक और ख्वाब देखा जिसमें मुझे सूरह मरियम की एक आयत सुनाई गई, और जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ ज़करिया, आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाई जाती है जिसका नाम यहया होगा। ख्वाब से बेदार होने के बाद मैं इस आयत को बार बार दोहराती रही, और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इसका नाम यहया रख दिया। और माँ का कहना है कि जब ये रोता है तो इसको कुरान की तिलावत सुनाई जाती है, तो ये बच्चा फौरन खामोश हो जाता है। और जब ये 1 साल का हुआ तो कुरान खोलकर पढ़ने लगा, तब मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, और इसको खिलौनों से कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये कुरान की तिलावत सुनते रहता है। दोस्तों, ये इस बच्चे की स्टोरी है। यकीनन इस बच्चे की स्टोरी सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो गया होगा। जहाँ लोग कुरान को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, वहीं अल्लाह अपना करिश्मा जाहिर कर देता है। दोस्तों, इस बच्चे के लिए आपकी क्या राय है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें।